लॉकडाउन के बाद से साउथ सिनेमा के स्टार्स जबरदस्त लाइमलाइट ले रहे हैं। वो न सिर्फ फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए लोगों का दिल जीत रहे हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को लेकर भी हर किसी को इम्प्रेस करते हैं। रामचरण और जूनियर अपने कैरेक्टर में कई खूबियां रखते हैं, जो भारतीय कल्चर को सम्मान देने और कुछ सामाजिक कार्यों को लेकर सराहे जाते हैं। उन्हें लोग रियल नहीं बल्कि रियल हीरो बताते हैं। इसी बीच साउथ के एक अन्य स्टार को भी लोग असली हीरो बता रहे हैं। दरअसल यहाँ हम साउथ स्टार नागा शौर्य को लेकर बात कर रहे हैं। तेलुगु स्टार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म फलाना अब्बाई फलाना अम्माई के लिए तैयार हैं, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही नेटिजंस द्वारा एक हीरो के रूप में उनका स्वागत किया जा रहा है। हाल ही में जब अभिनेता को एक लड़की के लिए स्टैंड लेते हुए देखा गया, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था, जब दोनों को झगड़ते हुए नागा शौर्य ने देखा तो उन्होंने उस प्रेमी से उसकी गर्लफ्रेंड से माफी मांगने के लिए कहा। अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नागा शौर्य को एक शख्स का हाथ पकड़कर उसकी गर्लफ्रेंड से माफी मांगने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है। अभिनेता ने उस आदमी से कहा, उसे सॉरी बोलो, जिस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शौर्य लगातार उससे बिना परवाह किए उससे माफी मांगने के लिए कहता रहा। उन्होंने बॉयफ्रेंड से बोला, तुमने उसे सड़क पर थप्पड़ क्यों मारा? वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उसे सॉरी बोलो। लोग कह रहे हैं कि नागा शौर्य ने सही काम किया और अब पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही उस लड़की को गाली देने वाले लवर को भी गिरफ्तार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।